दोस्तों स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल मैथ ट्रिक्स में। अपने आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्वांगसम त्रिभुज यानी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। दो त्रिभुज परस्पर सर्वांगसम कब होते हैं, क्या उनकी विशेषताएं, क्या गुण होते हैं, ये बताया जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं सर्वांगसम की। सर्वांगसम की का मतलब होता है सर्व प्लस अंग प्लस सम। सर्वांग सम की संधि होती है सर्व प्लस अंग प्लस सम, यानी सर्व माने सभी, अंग माने अंग, सम माने समान। अगर उनके सभी अंग समान हो तो दो त्रिभुज परस्पर सर्वांग सम कहलाते हैं। देखिए दो त्रिभुज मान लिया, एक त्रिभुज है ए बी सी और दूसरा त्रिभुज है कोई P Q R। दोनों त्रिभुज परस्पर सर्वांगसम कहलाएंगे, ये सर्वांगसम का चिन्ह होता है। दो त्रिभुज परस्पर सर्वांगसम कहलाएंगे, उनके सभी अंग समान होंगे। अगर उनके कितने अंग होते हैं त्रिभुज में, तीन कोण होते हैं और तीन भुजाएं होती हैं। और अगर सभी अंग समान हो यानी छः के छः अंग, तीनों कोण और तीनों भुजाएं, दो त्रिभुजों में तीनों कोण और तीनों भुजाएं अगर आपस में बराबर हों, सभी अंग अगर आपस में समान हों, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम कहलाते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि कोण ए किसके बराबर होगा, कोण पी के। कोण ए बराबर कोण पी। कोण बी किसके बराबर होगा, कोण क्यू के। कोण बी बराबर कोण क्यू। और कोण हमने बताया कि बी क्यू के बराबर होगा। और तीसरा कोण सी इस कोण आर के बराबर होगा, कोण सी बराबर कोण आर। तीनों कोण भी आपस में बराबर हैं और तीनों भुजाएं भी आपस में बराबर हों। भुजा ए बी किसके बराबर हो, पी क्यू के। ए बी बराबर पी क्यू। दूसरी भुजा बी सी बराबर क्यू आर, यानी बी सी बराबर क्यू आर। और तीसरी भुजा ए सी बराबर पी आर, ए सी बराबर पी आर। अगर तीनों कोण आपस में बराबर हैं, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, और तीनों भुजाएं भी आपस में बराबर हैं, संगत भुजाएं, ए बी बराबर पी क्यू, बी सी बराबर क्यू आर, ए सी बराबर पी आर। अगर दो त्रिभुजों में संगत कोण आपस में बराबर हैं, संगत भुजाएं आपस में बराबर हैं, यानी सभी अंग समान हैं, तो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम कहलाते हैं। सर्वांगसम ता कितने प्रकार की होती है, एक तो होती है एस एस एस। एस से बनता है साइड, साइड का मतलब है भुजा, साइड 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 सर्वांगसमता। इसका मतलब यह है कि अगर तीनों साइड आपस में बराबर हो, ये साइड इसके बराबर हो, ये साइड इसके बराबर हो, और ये साइड इसके बराबर हो, तो भी दोनों त्रिभुज परस्पर सर्वांगसम हो जाएंगे, यानी उनके सभी अंग समान हो जाएंगे। अर्थात अगर तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, एस 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 आपस में बराबर हैं, तो तीनों कोण भी आपस में बराबर होंगे, अर्थात त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे। दूसरी सर्वांगसमता होती है एस ए एस, साइड एंगल साइड, यानी दो तो साइड और उनके बीच का एक एंगल अगर आपस में बराबर है। क्या बताए हैं, दो साइड और उनके बीच का एक एंगल। मान लिया कि ये साइड इसके बराबर है और ये साइड इसके बराबर है, और इन साइड के बीच का एंगल इन साइड्स के बीच के एंगल के अगर इक्वल है, बराबर है, दो साइड और उनके बीच का कोण एक आपस में बराबर है, तो भी दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे, अर्थात उनके शेष अंग भी आपस में बराबर होंगे। तीसरी सर्वांगसमता होती है ए एस ए सर्वांगसमता। इसका मतलब है कि दो कोण और उनके बीच की एक भुजा अगर आपस में बराबर हो, मान लिया कि इस त्रिभुज के कोई दो कोण, ये वाला और ये वाला आपस में बराबर है, ये वाला और ये वाला आपस में बराबर है, अगर इस त्रिभुज के दो कोण इस त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हो और उनके बीच की भुजा भी आपस में बराबर हो, ए बी बराबर भी पी क्यू हो, तो भी दो कोण और उनके बीच की एक भुजा अगर आपस में बराबर हो, तो भी दोनों त्रिभुज परस्पर सर्वांगसम कहलाएंगे, उनके भी सभी अंग समान होंगे,
मतलब शेष तीसरा कोण भी बराबर हो जाएगा, शेष दो भुजाएं भी बराबर हो जाएंगी। अगर दो कोण और उनके बीच की एक भुजा इसके दो कोण और उनके बीच की एक भुजा के बराबर हो, दो कोण और उनके बीच की भुजा के बराबर हो, तो उनके शेष कोण भी बराबर होंगे और शेष भुजाएं भी बराबर हो जाएंगी, अर्थात दोनों त्रिभुज परस्पर सर्वांग सम कहलाएंगे। तीन सर्वांग समता यहाँ बताई हैं, तीनों साइड भी हो सकती हैं, दो साइड और एक एंगल भी हो सकता है, दो एंगल और एक साइड भी हो सकता है, लेकिन तीनों एंगल बराबर होने से त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होगा। कोई ए ए ए सर्वांगसमता नहीं होती है, तीनों कोण बराबर होने से दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम नहीं होंगे। अगर तीनों कोण परस्पर बराबर हैं तो जरूरी नहीं कि उनकी भुजाएं भी आपस में बराबर हों, उनके सारे अंग समान नहीं हो सकते तो त्रिभुज सर्वांगसम नहीं हो सकते। ए ए ए कोई सर्वांगसमता नहीं होती। जैसे एक उदाहरण के लिए देख लीजिए, मान लिया कि 6 सेंटीमीटर भुजा का कोई एक समबाहु त्रिभुज है, समान है सभी भुजाएं तो समबाहु कहलाएगा, और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है 60 अंश। दूसरा कोई 8 सेंटीमीटर भुजा का समबाहु त्रिभुज है, समबाहु है तो प्रत्येक भुजा समान लंबाई की होगी, प्रत्येक कोण भी 60 अंश का होगा। यहां हम देख रहे हैं कि इस त्रिभुज का भी प्रत्येक कोण 60 अंश है, इस त्रिभुज का भी प्रत्येक कोण 60 अंश है, तो जरूरी नहीं कि उनके भुजाएं भी बराबर हों, इसलिए कोई भी ए ए ए सर्वांग समता नहीं होती है। तीनों कोण बराबर होने से दो त्रिभुज सर्वांग सम होना आवश्यक नहीं है। दोस्तों, हमारा ये सर्वांग समता वाला वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल मैथ ट्रिक्स को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।